अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा हज़रात, वालिदैन और प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पानी का इस्तेमाल, पानी को साफ़ करने के तरीके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुदरती और इंसानी आफात कौन कौन से होते हैं और इसकी हमें कैसे मनसूबाबंदी करनी चाहिए। सबसे पहले तो कुदरती आफात क्या होते हैं, जैसे जलजला आना, जलजला ज़मीन हिलती है हमें पता है। उसके बाद कहत पड़ता है, कहत यानी ना खाने की ना पीने की चीज़ें होती है ना। उसके बाद तूफ़ान, तूफ़ान यानी तेज़ हवाएं चलती है, दरख्त बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है ना। और उसके बाद आखिर में होता है सैलाब, सैलाब यानी बहुत तेज़ बारिश, नदियों का फट जाना, तालाबों का फट जाना और पूरा हर तरफ पानी ही पानी समा जाना, उसको कहते हैं सैलाब। इन सब तूफानों, सैलाब, कहत और जलजलों को कुदरती आफात कहते हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी को, नबाती ज़िंदगी को और हैवानी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये तो हो गया कुदरत की तरफ से, इस पर हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन इंसानी आफात जो कि इंसानों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से पैदा होते हैं, वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे घर में हम अगर कोई प्लग है तो उसकी पिन हमने सही नहीं लगाया और कोई बच्चा उसके पास चला गया, उसको करंट लग गया, उसको शॉक लग गया, ये इंसानी आफात है। घर में गैर जिम्मेदारी तरीके से हमने गैस शुरू रख दिया जिसकी वजह से आग लग जाती है ना, ये भी इंसान की पैदा की हुई एक आफात है। तो ऐसे बहुत से आफात है जो हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद पैदा करते हैं, जो कि लापरवाही की वजह से होती है ना। हमारे घर में हम पानी का नल खुला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सारे घर में पानी पानी हो जाता है, जिससे परेशानी होती है ना। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले तो लापरवाही नहीं करना है, गैर जिम्मेदारी से बचे है ना, जिम्मेदारी के साथ हर काम करें जिससे हमारी तरफ से यानी इंसानों की तरफ से पैदा होने वाली आफात नहीं आने पाए। अब इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे भी है ना, जिससे हमें बचा जा सकता है। तो बच्चों ख्याल रखो कि कुदरती आफात से बचना भी ज़रूरी है और इंसानी आफात से भी बचना ज़रूरी है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मनसूबाबंदी करें, जैसे कुदरती आफात से बचने के लिए तो सरकार है जो मनसूबाबंदी करती है ना, मजबूत घर बना के देती है जिससे हमें तेज़ हवाओं से बच सकते हैं, सैलाब से बच सकते हैं। लेकिन इंसानी आफात से बचने के लिए हमें खुद एक ज़िम्मेदार बनना होगा, हर चीज़ को, हर काम को करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि इससे कोई मुश्किल, कोई मुसीबत ना पैदा हो जाए, यही मनसूबाबंदी है। तो करेंगे सब लोग, शाबाश, अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।